गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। तहसील सहजनवा के बाढ़ प्रभावित ग्राम चंद्राव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों में किया राहत सामग्री का वितरण। कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारी लगातार करें मॉनिटरिंग, कोरोना के प्रति रहें सचेत, सभी का स्वास्थ्य जांच कराकर कराएं उपचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 के संक्रमण से बचाव, सड़कों के निर्माण, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन संबंधित बैठक। लेवल 2 एवं लेवल 3 के बेडों की संख्या बढ़ाकर 1000 तक किए जाने के दिए निर्देश। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन निर्माण की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कहा, कार्यों में लाए तेजी, नहीं तो होगी कार्यवाही। 7 अगस्त को गोला थाना क्षेत्र में हुई नाबालिग युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने कहा, आशनाई के चक्कर में उनके दोस्तों ने ही की थी हत्या, भेजे गए जेल। पुलिस लाइन में कोविड 19 का अनुपालन करते हुए धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। राधे कृष्ण के जयकारे से गुंजयमान हुआ मंदिर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न निर्माण कार्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा। कायाकल्प योजना के कार्यों में लेट लतीफी पर लगाई फटकार। कहा, कार्यों में ना बरते लापरवाही। दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने किया खुलासा। कैंट थाने की पुलिस ने रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों को जहर खुरानी देकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 150 ग्राम नशीली पदार्थ पाउडर, अल्प्राजोलम, 6 मोबाइल सेट और 1 पावर बैंक किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर में पिछले 24 घंटे में 195 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4074। अब तक 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से जेवरात, 2 मोबाइल फोन और 2,250 रुपए नकदी की बरामद, भेजा जेल। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। तिवारीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस टीम ने 15,000 के पुरस्कार, घोषित गैंगस्टर वांछित 3 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने दी जानकारी। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसमेही जंगल से एसओजी टीम द्वारा 3 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए जुआरियों के पास से 20,000 रुपए नगद और 5 मोटरसाइकिल को किया बरामद। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति को प्रेषित किया ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी।